श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज जो है मैं आपको 108 कमल गट्टे की माला का उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है तो इस वीडियो को देखिए। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आपके घर में लीवर किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी बनी हुई है, डॉक्टर बोल रहे हैं ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कुछ भी मत करिए। आपको लेना है 108 बेलपत्र, ठीक है, 108 कमल गट्टे की माला लेनी है आपको और एक लोटा जल। ये लेकर के आप, सावन का टाइम चल रहा है, सावन में की गई पूजा भगवान जो है बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और देवाधिदेव महादेव बहुत जल्दी हमारी सुनते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है मंदिर। सबसे पहले आपको 108 कमल गट्टे की जो माला है, कमल गट्टा आपको पता ही है ना, काले कलर का होता है छोटा छोटा, आप जाएंगे दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, उसकी माला बनी हुई मिलेगी आपको। फिर आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान शिव जी को पहले वो माला अर्पित करनी है, ठीक है, उनके शिवलिंग के ऊपर। फिर वो उस माला को आपको उठा लेना है और वहीं बैठ के 108 बार आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जो है उस माला से वहीं बैठ के आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में जो आपके पास जो 108 बेलपत्र आप लेकर के गए हैं, ठीक है, और वो 108 बेलपत्र टूटे फूटे कटे कहीं से भी नहीं होने चाहिए। फिर उनको आपको एक एक करके जो है भगवान शिव जी को अर्पित करना है और आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए जाना है कि ये परेशानी चल रही है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको, ठीक है। उसके बाद जब 108 बेलपत्र चढ़ जाएँ तब आप जब एक लोटा जो जल लेकर के गए हैं उसको भी आपको समर्पित करना है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर जहाँ से जल बह करके जाता है आपको अच्छे से पता है कहाँ से, ठीक है, चरण कमल जो होते हैं वहाँ से आपको जल झेल लेना है। और जो अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आप जो है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को पी लें, या फिर कोई भी आपके घर में जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये उपाय करके और उसको जो है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को पिला दीजिए, जो रोग है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। ये उपाय आप करके देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो है अगले वीडियो में अगले उपाय के साथ मैं मिलूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।